अहम खबर आपको दें, कौमी सलामती के इन कैमरा सेशन से आर्मी चीफ की गुफ्तगू सामने आई है। ये कैंपेन है जो रियासत पाकिस्तान के पहले से मंसूर शुदा और जारी स्ट्रेटजी डेटा डायलॉग और डेवलपमेंट पर मबनी है। इस कैंपेन में सिक्योरिटी इदारों के अलावा हुकूमत के तमाम ज़रूरी अनासर शामिल होंगे, जैसा कि कानूनी, मुआशरती, खारजी इस हवाले से बात की जा रही है। ये नया ऑपरेशन नहीं बल्कि होल ऑफ नेशन अप्रोच यानी अवाम के गैर मुतजलजल एतमाद की अकासी करता है। मजीद क्या कहा आर्मी चीफ ने, इसी पर बात करेंगे। सीनियर तजियाकार समी इब्राहिम साहब ने हमें ज्वाइन किया। समी साहब, क्या कहा गया आर्मी चीफ की जानिब से इन कैमरा सेशन कौमी सलामती का जो हुआ? देखिए, इम्पोर्टेंट गुफ्तगु हुई है। एक तो जैसे आप अभी बयान फरमा रही थी, दहशतगर्दी के हवाले से जो पॉलिसी है वो उन्होंने कहा है कि ये एक पूरी कौम की अप्रोच है और उस पर हम अपना काम जारी रखेंगे, और जो दहशतगर्द हैं रियासत की रिट को तस्लीम करने के अलावा उनके पास और कोई रास्ता नहीं है, और उनसे जो मुज़ाकरात का खमियाजा है वो हमें उनकी मजीद ग्रोबंदी की सूरत में सामने आया है।